हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु और हम आज इग्नू के री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। ये जो प्रोसेस है ये जनवरी 2021 सेशन के लिए है और इसकी जो पहली डेट थी वो 31 जनवरी थी, लेकिन अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया था, तो इसलिए उनको अब उसको एक्सटेंड करके 15 फरवरी तक कर दिया है। तो इसलिए आप बिना वेट कीजिए 15 फरवरी का, आप जितनी जल्दी हो सके अपने आप को रजिस्टर कीजिए। और उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो हम उन इंस्ट्रक्शंस को जानेंगे ताकि हमें री रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देखिए, उन्होंने पहले ही बोला है कि ये जनवरी सेशन के लिए है और इस सेशन के थ्रू, इस पोर्टल के थ्रू आप नेक्स्ट ईयर या सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको एक ऑनलाइन पेमेंट बनानी होगी, जो भी आपके कोर्स की फ़ीस होगी वो आपकी पेमेंट होगी। और यह पोर्टल इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों के लिए ओपन है, ये एक ही पोर्टल है, किसी को भी अलग पोर्टल नहीं दिया गया है। तो जो आपके जानने वाले हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या जो भी हैं, आप उनको बोलिएगा कि सेम पोर्टल का ही यूज़ करें। अब इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसे पहले वो बोलते हैं कि हमें रजिस्टर करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन बटन है तो उस पर क्लिक करना है और हमें अपना करेक्ट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है, जिससे कि इन फ्यूचर वो कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते हैं, ठीक है, तो वो हमें हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मिल जाए। इसके अलावा वो कहते हैं नेक्स्ट हमारा कि अगर आप रजिस्टर्ड हो, क्योंकि पहले बच्चे कर चुके हैं, तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो मिला होगा आपको उसके थ्रू लॉगिन करना है और फिर अपना प्रोसेस आगे करना है। और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करते हो आप लोग, तो आपको जैसे कि यहाँ पे है कि आपको OTP नहीं आ रहा है, आप यूज़र आईडी या पासवर्ड भूल गए हैं, तो आपको अपने रीजनल सेंटर पे जाकर कांटेक्ट करना है, उनको बताना है कि आपको अपने अकाउंट्स के थ्रू कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है या आप अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर कुछ भी अपडेट करवाना चाहते हैं, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा फिर वो कहते हैं नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें वो कहते हैं कि जो आपको कोर्स दिया गया है आप उसको केयरफुली चुनना है और अपने प्रोग्राम जो आपके प्रोग्राम गाइड है उसकी डिटेल्स को अच्छे से समझ लेना है। और ये आप जितनी जल्दी हो सके आप कीजिए, क्योंकि जब आप लेट करेंगे तो हो सकता है कि वो कोर्स जो आप पढ़ना चाहते हैं वो अवेलेबल ना हो बाद में। इसके अलावा वो थर्ड इंस्ट्रक्शंस में बोलते हैं कि फिर आपको एक ऑनलाइन पेमेंट बनानी है और फिर उन्होंने कहा जो एक पूरी वो डिटेल बताते हैं कि आपको कार्ड डिटेल नहीं शेयर करनी है और आप पेमेंट को उन्होंने मेथड बताए हैं कि आप कार्ड से नेट बैंकिंग से बना सकते हैं। इसके अलावा वो UPI भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और भीम ऐप ये भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बोला है कि आपके लिए जो अलग से एक डिवीज़न पोर्टल होगा पेमेंट का, आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। उनका पेमेंट ऑप्शन थोड़ा अलग है लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल सेम ही है। फिर उन्होंने यही बोला है कि आप लास्ट डेट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए वेट मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है लास्ट डेट में सर्वर कितना हैंग करता है, कभी कभी डाउन हो जाता है, फिर आप अपना एक चांस खो सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर देखो अगर आपसे पेमेंट आपने बनाई लेकिन हुई नहीं, ठीक है, किसी भी कारण, नेटवर्क इशू के कारण, बैंक की या हॉलीडे या कुछ भी प्रोसेस है, तो आपको तुरंत सेकंड पेमेंट नहीं बनानी है, कम से कम एक दिन का वेट कीजिए, पेमेंट स्टेटस को चेक कीजिए, अगर कुछ अपडेट नहीं आता तो आप पेमेंट बनाइए, ठीक है। और अगर आप सेकंड पेमेंट बना देते हैं और दो बार आपके पैसे कट जाते हैं तो आपको क्या करना है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर आपके दो बार पैसे कट जाते हैं, यानी आप दो बार पेमेंट बना चुके हैं, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं, आपको रिफंड हो जाएगी एक पेमेंट, वो एक पेमेंट रख लेंगे और एक पेमेंट आपको आपके अकाउंट में रिफंड कर देंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही है कि मतलब एक दो से तीन दिन का टाइम लग जाता है, कभी कभी तो वर्किंग डेज लग जाते हैं पैसे रिफंड होने में, तो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, चाहे पेमेंट अटक गई है उससे भी, लेकिन इस परेशानी से बचने के लिए जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। और फिर वो कहते हैं कि अगर आप थर्ड पार्टी का यूज़ करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपने अपने कोर्स को, मतलब आप किसी के थ्रू अपना फॉर्म भरवा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसको सही डिटेल्स दिए, उन्होंने आपका कोर्स अच्छे से चुना है, आपकी पेमेंट अच्छे से हुई है। और लास्ट में आपको क्या करना है कि अपना पूरा फॉर्म, जब वो पेमेंट, आपकी पेमेंट स्लिप और आपका पूरा फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करके अपने पास रखना है कंफर्मेशन के लिए, ताकि आप कंफर्म हो जाएं और इन फ्यूचर आपको अगर ज़रूरत पड़े दिखाने की तो आप उनको दिखा सकते हैं कि यू पेड फॉर योर कोर्स। ये आपका यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कि हमने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं और हम अब आगे अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद वो आपका पोर्टल खुल जाएगा। देखिए, वो पोर्टल कुछ इस तरीके का होगा, ये लॉगिन वाले लोगों के लिए है, ठीक, और अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन में हैं तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लोगों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, आपको अपना आईडी कार्ड, जैसे आपका आईडी कार्ड पे नाम दिया गया है वो सिलेक्ट करना है, एनरोलमेंट नंबर डालना है और फिर आपको सबमिट करना है इन्फॉर्मेशन।
आपको इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट्स हमारी प्लेलिस्ट इग्नू अपडेट्स में मिल जाएंगी, और इस हम आगे भी इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम पहुंचाते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक आ वीडियो, सब्सक्राइब आर चैनल एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी इशू है इग्नू से रिलेटेड, आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट अस। थैंक यू।